सीन हो गया था उतने देर ना? नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी विद मी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होठों के कालेपन के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सब लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि होठ बहुत काले रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ये क्यों होते हैं और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूज करती हूँ केवल होम रेमेडीज को, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डार्क फ्लैटनिंग क्रीम ऑल्सो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको बस क्या करना है, आपको करना है बस तीन चीजें। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इसके अलावा आप कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक, और हाँ आप शेयर तो जरूर करिए वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं करनी है तो इसके अलावा आप कोई एक चीज तो कर ही सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक आप बस वीडियो को देख ही रहे हैं, मैं तब से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दो। अरे यार सब्सक्राइब कर दो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज सब्सक्राइब तो करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब। पहले यहाँ हम बात करेंगे होठों के कालेपन का रीजन क्या क्या होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम धूप में स्पेंड करते हैं, आपका ऐसा काम है जिसमें आपको धूप में ज्यादा रहना पड़ता है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके होठों के कालेपन का। इसके अलावा हम बात करें अगर कोई स्मोकिंग करता है या फिर आप तंबाकू लेते हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है आपके होठों के कालेपन की। बात अगर हम करें अगर आप गर्म चाय पीते हैं या गर्म कॉफी लेते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह होता है होठों के कालेपन का। इसके अलावा अगर हम बात करें लड़कियां जो होती हैं, गर्ल्स मोस्टली बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक पसंद करती हैं और ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक यूज़ करने के कारण भी लिप्स जो है वो काले हो जाते हैं, या फिर अगर आप लिपस्टिक यूज़ करते हैं लेकिन आप इसको अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके होठों के कालेपन होने का। इसके अलावा कभी कभी ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, अगर आपके फैमिली में लोगों को ये प्रॉब्लम है तो ये हमें जेनेटिक भी मिलती है। अगर हम नेक्स्ट रीजन की बात करें तो इसका एक रीज़न ये भी है विटामिन की कमी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी है या फिर आयरन की कमी है तो उसके कारण भी आप होठों का कालेपन देख सकते हैं। मैंने अभी तक आपके साथ डिफरेंट रीजन शेयर किए हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं जिसको आप ट्राई करके इसको कम कर सकते हैं या फिर इसको एकदम टोटली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहला तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप ट्राई करिए कि जितनी मैंने आपको रीजंस बताई हैं उसको थोड़ा कम करिए, मतलब उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए कि आप उसको, ये आपका सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपके साथ डार्क लिप लाइटनिंग क्रीम कुछ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आप कोई भी लिप बाम अगर परचेज करना चाहते हैं तो इस बात का एकदम ध्यान दीजिए कि आप जो लिप बाम परचेज कर रहे हैं उसमें सन प्रोटेक्शन जरूर हो। जो अगर आपके लिप बाम में सन प्रोटेक्शन फैक्टर है तो वो लिप बाम आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी लिप को डार्क होने से बचा सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लिप बाम के ऑप्शंस दे रही हूँ जो आप यूज कर सकते हैं, वहाँ उसमें सन प्रोटेक्शन के फैक्टर्स हैं तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस और होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, आप केमिकल पील्स का यूज़ कर सकते हैं, आप लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसके अलावा आप फिलर ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं, जो कि थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, आप इसकी जानकारी कहीं और से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आप कर सकते हैं, और अब लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना फेवरेट होम रेमेडीज जो आप ट्राई करिए। पहले सबसे पहले इसी को ट्राई करिए, अगर आपको ये लगता है कि आपको ये बेनिफिशियल लग रहा है देन आप इसको कैरी ऑन करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये चीज़ आपसे एक यूज़ होम रेमेडीज यूज़ करने के बाद भी अगर कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, आप मैंने इसके अलावा लिप बाम्स बता रखे हैं और कुछ ट्रीटमेंट बता रखे हैं जिसके लिए आप कैरी ऑन कर सकते हैं।
तो होम रेमेडीज में आपको केवल यहाँ पे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको यूज करना है नींबू और यूज करना है चीनी। आप क्या करिए कि नींबू में काट करके उसको हाफ काट लीजिए एंड देन उसमें चीनी को डाल करके आपको लिप को स्क्रब करना है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नींबू में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके अलावा अगर आप स्क्रब करते हैं अपने लिप को तो उसको स्क्रब करने से आपकी जो डेड स्किन है वो खत्म हो जाती है। फिर इस प्रोसेस को आप 5 मिनट तक करिए एंड देन आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने लिप को मॉइस्चर करना है, क्योंकि अगर हमारे लिप में मॉइस्चर एलिमेंट्स नहीं है तो उसी की वजह से तो हमारे लिप्स एकदम से फटने लगते हैं और बहुत जल्दी से हो जाते हैं, और ऐसा होने की वजह से ही देन वो ब्लैक पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है हनी का, हनी को अप्लाई करिए और 15 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसको वॉश करिए, और वॉश करने के बाद बस आपको नारियल का तेल अपने लिप पे लगा लेना है और रात के लिए आपको वैसे ही सो जाना है। बस ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं होम रेमेडीज जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करके देखिए, ये आपको एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट इसका दिखेगा। मैं इसको ट्राई कर चुकी हूँ, मुझे ये रेमेडीज बहुत पसंद है। आप इसको ट्राई करके देखिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने जितनी भी होम रेमेडीज आपके साथ शेयर की वो आपको कैसी लगी, आपका ट्राई करने के बाद इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ, तो आप जरूर ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के बाद। इसके अलावा आप मेरे चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब और शेयर करो, वीडियो है वे कितनी भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना है आप कर सकते हैं शेयर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो जरूर हो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।